नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर मंजूरी के 3 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, गड्ढों में हुई तब्दील। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव कालियावाला से है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त करते हुए रोड निर्माण मंजूरी के 3 साल बाद भी रोड न बनने से गड्ढों में तब्दील हुई रोड बनाने की सरकार से मांग की। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सड़क करीब 20 साल पुरानी है, जो इस वक्त जर्जर अवस्था में पड़ी है, जो पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसके निर्माण की मंजूरी 3 साल पहले हो गई थी, लेकिन जब से आज तक ये रोड नहीं बन पाए है, जिसके कारण राहगीरों एवं स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी स्कूल के बच्चे साइकिल लेकर गिरने से चोटिल हो जाते हैं और उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। ये रोड गांव कालियावाला एवं कल्याणपुर के बीच लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जिस पर अनेक धार्मिक स्थान एवं अनेक स्कूल भी पड़ते हैं। इसी रोड से राहगीर क्षेत्र के अनेक गाँव मेघावाला, बड़ियोवाला, पतरामपुर, जगदीशवाला एवं अन्य स्थानों को आना जाना करते हैं, लेकिन जर्जर अवस्था में पड़े होने के कारण ग्रामीणों को दूसरी सड़कों होकर जाना जाने में दोगुनी यात्रा तय करनी पड़ती है और समय भी अधिक लगता है। देखिए किस तरह ग्रामीण रोड बनाने को लेकर सरकार से अपनी अपनी मांग करते नजर आ रहे हैं। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ये रोड लगभग 20 साल हो गए, इसमें जो बनी हुई को नहीं, जो बनी थी जब 20 साल हो गए, तो अब कई सालों से 2 दफ़ा तो इसके गड्ढे भरे जा चुके हैं, पर हालत ये हो गई है, अब गड्ढे बहुत गहरे हो गए हैं। ये अब नहीं बनने मांग रही है रोड, और इसका हमने प्रयास करके 2021 में ये मंजूरी का भी इसका ये करवा दिया था, पर रोड का काम चालू नहीं हो पा रहा। हमने प्रतिनिधियों से भी कहा है, पूर्व एमएलए साहब हो या एमएलए साहब हो, हम उनसे भी कहा है, इस रोड का काम चालू नहीं हो पा रहा। ये मंजूरी 2021 की हो रखी है, तो वहाँ जो कुछ मंत्रियों को हमने ये लेटर भेजे हैं, तो इसका काम अभी तक चालू नहीं हो पा रहा। इतनी दिक्कत है, ये बाईपास का काम भी करती है ये रोड। ये जब कांचीपुर को आने जाने वाले पतरामपुर से, कालू शहीद से लेकर सहरे लोग इधर से निकलते हैं, शहरा शहर जसपुर बचता है और ये कांचीपुर को जाते हैं लोग, और यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं इस रोड पर, और कई स्कूल हैं इस पर, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने, वो चोटिल होते हैं गिर गिर के, महिलाएं गिर जाती हैं नीचे, बहुत महिलाओं के चोट लगती है। जैसे मोटरसाइकिल एकदम गड्ढे में जाकर पड़ती है तो महिला पीछे से गिर जाती है, और कई चोटिल हुई हैं महिलाएँ। कई बच्चों के एड्रेस तो बिल्कुल, जब बरसात होती है तो एड्रेस तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमारी यही मांग है लोक निर्माण विभाग से कि, और हमारे मंत्रियों से, जो उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्री जी दिखे या जो भी हैं यहाँ के प्रतिनिधि उत्तराखंड के, तुरंत इसे बनवाने की कृपा करें। नहीं तो ये इतने आक्रोशित हैं गांव वाले, ये कई गांव के इकट्ठे होकर एक उग्र आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे इस रोड को लेकर, अगर ये इस रोड का जल्द आरम्भ नहीं हुआ तो। ये रोड की मंजूरी तो 4 किलोमीटर की है, गड़ी हुसैन से लेकर कलियावाला कल्याणपुर तक, पर ये 2 किलोमीटर तो ऐसी रोड खराब है कि ये कलियावाले से और कल्याणपुर तक तो बहुत ज़्यादा जर्जर हो रही है रोड। ये तो बहुत जल्दी इसमें तुरंत काम मांग रही है कि तुरंत नहीं बननी मांग रही है ये, और तुरंत इसे नहीं बना देना चाहिए, नहीं तो बहुत आक्रोश है, दो गाँव के लोगों में बहुत आक्रोश है, और वो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन भी फिर इन लोगों के साथ खड़ी है, गांव वालों के। हमारा नाम राम प्रसाद है, 20 साल से नहीं बनी हुई है कल्याणपुर की सड़क, ये अड्डे खड्डे बहुत हैं, बच्चे गिरते हैं, रिक्शा उल्टी होती हैं। कलियावाला, कल्याणपुर, पतरामपुर, जगदीशावाला, तीन स्कूल पढ़ते हैं, दो गुरुद्वारे पढ़ते हैं, 20 साल से नहीं बनी है ये, अड्डे खड्डे हैं, तो बननी चाहिए। और मैं क्लास 7th सी की छात्रा हूँ, और मेरा गांव कल्याणपुर है, और मेरे स्कूल से वह 5 किलोमीटर दूर है। जब मैं स्कूल जाती हूँ, हमारी सड़क बहुत ख़राब है और उसमें हम गिर जाते हैं, तो मेरी मानता यह है सरकार से कि वह रोड बनाने की कृपया करें।
अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं मेरा नाम साईप्रीत, मैं कलिया वाले का रहने वाला हूँ। और जब से मैं देख रहा हूँ 2005-06 से मुझे होश आया जब से अपनी ज़िंदगी का, तब से मैंने देखा कभी ये रोड बनी नहीं है। और एक दो बार इसके गड्ढे का काम हुआ है, गड्ढे पूरे हुए हैं। और इस रोड पे 3 स्कूल हैं जिसपे बच्चे आते हैं डेली, और बरसात में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जैसे पानी खड़ा हो जाता है तो कई बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं, छींटे पड़ते हैं, और कई बार ई रिक्शा भी गिर जाते पलटी जाती है। ये रोड कलिया वाले से कल्याणपुर होते हुए जगदीशा वाले टांडा पतरामपुर जाती है, और वहाँ सभी निवासी ज़्यादातर अब उधर से जाते हैं बढ़िया वाले पतरामपुर वाली रोड को, क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है, इस पर कोई आना पसंद नहीं करता। रोड पे शुरू से जैसे ब्लॉक के बाद कलिया वाला आ गया, फिर बाद में कल्याणपुर आ गया, फिर टांडा आ गया, जगदीशा वाला आ गया, आगे मल्लपुरी आ जाएगा। जो धार्मिक स्थल हैं वो 3 पड़ते हैं। पहला कलिया वाले का गुरुद्वारा, एक आगे थोड़ा बड़ा अपने सिख शहीदों का गुरुद्वारा है, फिर कल्याणपुर का गुरुद्वारा है, और स्कूल हैं 3 हैं, स्कूल भी 3 ही हैं। पहला सरकारी स्कूल कलिया वाले में, और दूसरा स्कूल, ये 2 स्कूल कलिया वाले के सरकारी, और तीसरा ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ टेलोसाट, चौथा कल्याणपुर में सरकारी स्कूल है। हमारे हिसाब से तो ये रोड बननी चाहिए, एक हिसाब से नई पूरी नई बननी चाहिए, कोट मिक्सचर मशीन से बननी चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जल्दी ख़राब ना हो।